दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सब्सक्राइबर का कंप्यूटर है और ऑनलाइन जो है हम यहाँ से इसे इस मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है पुराने वाले रेडमी नोट 4 को समझ करके जो है इसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था मोबाइल को, लेकिन ये जो मोबाइल है ये नया वाला रेडमी नोट 4 है 64 GB इंटरनल और 4 GB रैम वाला। तो दोस्तों इस मोबाइल को अगर आप अनलॉक करेंगे तो जो मेथड सेलेक्ट कर रहे थे पुराने वाले मोबाइल को रेडमी नोट 4 को 3 GB रैम वाले को, तो सेम वही मेथड है, उसी तरह से आपको रेडमी नोट 4 यहाँ पे आपको मेथड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको MI अकाउंट पर चेक लगाना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि इन दोनों मोबाइल में फ़र्क क्या है। दोस्तों मैं बता दूँ कि इन दोनों मोबाइल में आप जो मेथड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो सेम मेथड है, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो आइडियल मोड लाने का जो तरीका है टेस्टिंग पॉइंट सॉर्ट करने का, तो इस मॉडल में जो है टेस्टिंग पॉइंट का तरीका अलग दिया गया है और पुराने वाले में जो है उसका तरीका अलग दिया गया, ठीक है। तो दोनों का टेस्टिंग पॉइंट अलग अलग जगह है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर ने हमें कॉल किया था और ये इस मोबाइल को जो है इसका ड्राइवर जो है अपडेट नहीं कर पाया था, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मोबाइल का जो कीडी लोडर 9008 इसके सिस्टम में शो क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जब मैंने इसके ड्राइवर जो डिवाइस मैनेजर को जब ओपन किया तो मैंने देखा और इसे मैंने कहा कि आप टेस्टिंग पॉइंट सॉर्ट करें और मेरे बताए हुए तरीके से इन्होंने टेस्टिंग पॉइंट सॉर्ट किया, तो यहाँ पे जो है कुछ अलग तरीका दिखाई दे रहा था इसका जो है ये ड्राइवर जो आप देख रहे हैं क्वालकॉम लोडर, ये जो इसका अपडेट नहीं था, तो इसे मैंने अभी मैन्युअली जो है आपके सामने इसे अपडेट कर दिया। उसके बाद तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कीडी लोडर 9008 आपको कैसे लाना था और टेस्टिंग पॉइंट कैसे शॉर्ट करना था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल के अंदर में जो लॉक लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे सब्सक्राइबर आपको दिखा रहे हैं और ये आपको मोबाइल को जो है ओपन करके इसका जो ढक्कन निकाल करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको टेस्टिंग पॉइंट कैसे लाना है। तो दोस्तों टेस्टिंग पॉइंट लाने के लिए आपको जो बैटरी कनेक्टर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो छोटी सी बेल्ट लगी हुई है, इस बेल्ट को आपको यहाँ रिमूव करना होगा, इस बेल्ट को आपको निकाल देना होगा। तो चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर इस बेल्ट को यहाँ पे निकाल रहे हैं और बेल्ट के बगल में आप यहाँ पे देख रहे हैं दो छोटा सा डॉट है यहाँ पे, इन दोनों को आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये 64 GB वाला इंटरनल मेमोरी और 4 GB रैम वाला ये मोबाइल है, ठीक है। इसका टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप पुराने वाले रेडमी नोट 4 का जो टेस्टिंग पॉइंट अलग जगह जो दिया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे चिमटी से शॉर्ट करके रखना है, बैटरी कनेक्टर निकाल करके और डाटा केबल आपको लगाना है, और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे उसके बाद क्यूडी लोडर 9008 आपके जो है डिवाइस मैनेजर में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ पे बूट करेगा, और जब आपका मोबाइल बूट करेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका रीडिंग चलेगा और रीडिंग चलने के बाद जो है आपका MI अकाउंट यहाँ पे जो है डन दिखाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और चलिए हमारे सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो MI अकाउंट अनलॉक कर दिया है इस मोबाइल। मैं ये बोला भी तो था काम करके छोड़े। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सब्सक्राइबर का जो है MI अकाउंट अनलॉक कर दिया है रेडमी नोट 4 जो 4 GB रैम वाला मोबाइल था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।